सभी लोग बकासुर को ढूंढने तो निकले हैं, किंतु उन्हें वो मिलेगा कैसे? दाऊ, कहा ना बकासुर मेरे बंधन में है। क्रैश! क्रैश! बस एक बार तुम मुझे पुनः मिल जाओ, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कैसे बाहर निकलूं इस माया से? इतने उतावले मत हो बकासुर, यदि तुम्हें इस बंधन से बाहर आना है तो उसके लिए भी मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, और वो समय शीघ्र ही आएगा। बच्चों ने तो कहा था कि वो बकेश जी के साथ यहीं वन के समीप कहीं खेल रहे थे, और यहाँ से वो अदृश्य हो गए, किंतु आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। मुझे शीघ्र ही उस मायावी कृष्ण के पास लौटना होगा। एक बार पुनः प्रयास करता हूँ। आज मुझे लगता है हमें वन में जाके उन्हें ढूंढना चाहिए। हाँ शोभा, चलिए। बकेश जी, बकेश जी आप तो यहीं हैं। कदाचित बच्चे कह रहे थे कि आप तो अदृश्य हो गए थे। हाँ, मैं तो यही हूँ, किंतु कैसे यहाँ आया वो मैं ही जानता हूँ। मैं अदृश्य नहीं हुआ था, मैं तो बस उनमें कुछ देखने गया था और कुछ क्षण के लिए अपना मार्ग भटक गया था। मार्ग भटक गए थे, परंतु आप ऐसे बच्चों को अकेला छोड़कर वन में कैसे जा सकते हैं? यदि बच्चे भी आपके पीछे पीछे जाते तो वो भी मार्ग भटक जाते। हमें तो लगा आप समझदार हैं, बच्चों का ध्यान रखेंगे, पर यहाँ तो बच्चे आपको लेकर चिंतित थे। अरे कोई बात नहीं, हमारे बच्चे हैं ही इतने नटखट कि कोई भी उनके साथ बच्चा बन जाता है। नारायण का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप हमें सुरक्षित मिले। चलिए घर चलते। बकासुर अभी तक कृष्ण को लेकर आया क्यों नहीं? महाराज की जय हो। अक्रूर, बताओ अक्रूर, क्या समाचार लेकर आए हो? ये कह रहा था कि इसने बकासुर को उस दिव्य बालक और उसकी टोली के साथ यमुना के तट पे खेलते हुए देखा, फिर वो वन में चला गया और अपना मार्ग भटक गया। मुझे उस बकासुर से अत्यधिक अपेक्षा है। आशा करता हूँ कि तो उस मायावी बालक को जीवित मेरे समक्ष लाने में सफल होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। क्यों नहीं आज आप हमारे घर विश्राम कर लेते, हमें भी आपके तिथि का अवसर प्राप्त होगा। यही तो मैं चाहता था कि उस कृष्ण के समीप आने का अवसर मिले। आर्य सही कह रहे हैं, आज आप हमारे यहाँ ही रुकिए। अब वृंदावन के मुखिया जी की बात कौन टाल सकता है, मुझे आपके साथ आपके यहाँ रहने में बड़ी प्रसन्नता होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। नहीं नहीं, इसमें आभार कैसा, आभारी तो हम हैं आपके, आप तो हमारे अतिथि हैं, और अतिथि का सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। यशोदा, बकेश जी के लिए भोजन का प्रबंध कर दो। जी आर्य। आप बैठिए, मैं अभी आता हूं। मायावी बालक ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है। महाराज कंस क्या चाहते हैं इससे मुझे कोई औचित्य नहीं, किंतु मैं ये चाहता हूं कि इस मायावी बालक का वध मैं स्वयं अपने हाथों से करूं।
और अब मैं ऐसा करके ही रहूंगा। ये तुमने क्या कह दिया बकासुर, हम कितना अच्छा खेल खेल रहे थे। मैं तो तुम्हारे साथ इसलिए खेल रहा था क्योंकि तुमने मामा कंस को वचन दिया था। बकासुर, पहले तुम ये सिद्ध करो कि तुम उचित कह रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। यदि नहीं सिद्ध कर पाया तो मैं स्वयं यमुना में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तुमने तो मामा कंस को वचन दिया था कि मुझे जीवित लेकर जाओगे, परंतु अब तुम मामा कंस को दिया वचन तोड़कर अनुचित कर रहे हो। और जब तुमने अनुचित करने का निर्णय ले ही लिया है तो देखो कैसे मैं इस खेल को पूरी तरह पलटता हूँ। महाराज की जय हो। वृंदावन से एक गुप्तचर अत्यंत शुभ समाचार लेकर आया है। शीघ्र बताओ क्रू, क्या शुभ समाचार है? महाराज, बकासुर को आज रात्रि उस मायावी बालक के घर अतिथि के रूप में रहने का अवसर मिला है। और आज रात्रि अवसर मिलते ही वो उस मायावी बालक कृष्ण को उड़ाकर यहाँ मथुरा में ले आएगा। अद्भुत अक्रूर, यदि ऐसा हुआ तो आज की ये रात्रि मेरे लिए सबसे शुभ होगी। जाओ और उस बकासुर पर दृष्टि बनाए रखो, मुझे हर क्षण की सूचना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। बकीश जी, आपको भोजन कैसा लगा? आशा करती हूँ कि आपके मन अनुसार था। जी, भोजन अत्यंत ही स्वादिष्ट था। बहुत दिनों के पश्चात ऐसा स्वादिष्ट भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बकीश जी, आपके शयन की भी व्यवस्था कर दी है, आप विश्राम कर लीजिए। अवश्य। प्रतीत होता है कि आज तो आपको बच्चों ने कुछ अधिक ही थका दिया। जी थका तो दिया है, परंतु आज कई दिनों बाद मुझे बच्चों के साथ ये खेलने का अवसर प्राप्त हुआ है, मन प्रसन्न हो गया। जी, इतनी प्रसन्नता से भरा दिन व्यतीत करने के बाद लगता है कि आज निंद्रा अच्छी आएगी। जी जी, क्यों नहीं, आइए मैं आपको आपका कक्ष दिखा देता हूँ। आइए। मुखिया जी, कक्ष की क्या आवश्यकता, मैं गौशाला में ही सो जाऊंगा। मुझे बाहर सोना पसंद है, मैं सुबल के घर में भी बाहर सोया था। नहीं नहीं, आप तो हमारे अतिथि हैं, और जब अतिथि के लिए हमारे घर में अलग से कक्ष है तो आपको बाहर सोने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है क्योंकि मैं यहाँ अंदर नहीं सो सकता, मेरा बाहर सोना अति आवश्यक है। अब कैसे बताऊं इन्हें कि हम असुरों के लिए ऊर्जा के लिए दिन में एक बार अपने वास्तविक रूप में आना आवश्यक है। देखिए, हमें लज्जित मत कीजिए, यदि अतिथि बाहर सोएंगे तो हम भी अंदर सो नहीं पाएंगे। अतिथि हमारे लिए देव के समान है, हम आपको बाहर नहीं सोने दे सकते। अभी के लिए ये जो कहते हैं वो मानना ही होगा, इन सब लोगों के सोने के बाद ही मुझे बाहर आना होगा। यदि अंदर सोते मुझे किसी ने देख लिया तो अनिष्ट हो जाएगा। आइए। ठीक है, चलिए। भागो भागो, नहीं तो ये पक्षी आप दोनों को पकड़ लेगा। बहुत हो गया तुम सबका खेल, अब चुपचाप यहाँ बैठो और दूध पी के सो जाओ। आजो। नहीं, नहीं का क्या अर्थ है कान्हा, चलो आगे पियो। आजो,
अच्छा ठीक, यदि तूने ये पूरा दूध समाप्त कर दिया तो मैं कल तुझे मन भर के खेलने दूंगी, ठीक है? हाँ ये ठीक है। चल ठीक है, ये मुझे दे दे। पी के सो जा। चलो चलो पियो। अरे मैया पहले मुझे चाहिए था। दूध पीना है तो नीचे बैठ कान्हा। बैठ 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 बैठ, बैठ।